Hey guys, welcome back to my new vlog. और इस vlog में हम आए हैं झंडे वाला. मैं आपको लेके आया हूँ झंडे वाला की एक बहुत बड़ी शॉप में. ये होलसेल का काम करते हैं. यहाँ पे जितने भी टॉयज आप देखोगे सब होलसेल रेट में मिलेंगे आपको. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको अंदर ले चलते हैं. आओ. तो गाइज मेरे साथ हैं अरुण सर. अरुण सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में. गाइज ये हैं अरुण सर जिनकी ये शॉप है. तो सर अपने बारे में कुछ बताइए. सबसे पहले आप लोकेशन बताओ कि हम किस जगह बैठे हैं अभी. दिल्ली में जो मेन झंडे वाला में साइकिल मार्केट है वही हमारी लोकेशन है. झंडे वाला के अंदर झंडे वाला साइकिल मार्केट वीडियोकॉन टावर के पास आप गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं और आसानी से हमारे तक पहुंच सकते हैं. किस नाम से है? हैप्पी जोन के नाम से. हैप्पी जोन के नाम से. तो सर आप किस किस में डील करते हो सर, एक बार ऑडियंस को बताओ सर. हम लोग बेसिकली एजुकेशनल टॉयज में डील करते हैं. बच्चों को जो भी चाहिए होता है पढ़ने लिखने के खेलने के लिए वो सभी एजुकेशनल टॉयज हम लोग रखते हैं. ओके. हम लोग चाइना टॉय में डील नहीं करते हैं. अच्छा, जो भी टॉयज हैं आपके चाइना के नहीं है? चाइना के नहीं. तो मेड इन इंडिया है? सभी मेड इन इंडिया है और सभी एजुकेशनल है. सभी में कोई ना कोई वैल्यू जुड़ी हुई है. जिस तरह से सर एक बार आप विजिट कराओगे सर प्लीज. ये जैसे अल्फाबेट का टॉय है, बच्चों को बेसिक अल्फाबेट सिखाने के लिए ये पजल बना हुआ है. अच्छा. हमारे पास बच्चों को ABC सिखाने के लिए कम से कम 50 तरह के अलग अलग खिलौने हैं. ओके. जैसे कि बच्चे बड़े आसानी से फर्स्ट अल्फाबेट सीख जाते हैं. अगर रेट की बात करूँ तो ये किस रेट में मिलेंगे? ये हम लोग सभी होलसेल प्राइस पे ही मार्केट में देते हैं, कस्टमर को भी देते हैं. जितना भी MRP होता है उसके ऊपर 20-40% तक का डिस्काउंट रहता है. मतलब सिंगल आइटम भी आप दे सकते हैं? सिंगल आइटम भी हम लोग देते हैं डिस्काउंट पे, होलसेल रेट पे. होलसेल रेट पे. सर ऐसा पॉसिबल है क्या कोई अगर ऑनलाइन मतलब फोन करके अगर ऑर्डर करे तो कुछ पॉसिबिलिटी है? हाँ, ऑनलाइन के लिए भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं. अपने आप टेस्ट के आइटम बता देंगे तो उसके फोटोग्राफ हम लोग भेज देंगे. हाँ. आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे, आपको कोरियर कर देंगे. बहुत ही बढ़िया सर. ये वुडन के अल्फाबेट ब्लॉक्स हैं, इनका मात्र रेट 300 रुपए का है. मात्र 300 रुपए का है? तो ये सर कितनी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? 2 साल से बड़े बच्चों के. 2 साल से? अच्छा, 2 साल से ऊपर. कितने एज तक? 7-8 साल तक? हाँ जी. ओके. 8 साल तक. ये बच्चों के फ्लैश कार्ड है, इसके अंदर भी आपको सभी टाइटल मिल जाएंगे और बच्चे इसके साथ आसानी से खेलते हुए पढ़ जाते हैं. 150 रुपीज का. अरे वाह. एक ये देखिए, ये लर्निंग एबेकस है. बच्चे इसके अंदर कलर और काउंटिंग बहुत आसानी से सीख जाते हैं. इसका जो प्राइस है वो 1200 का है. हम लोग डिस्काउंट के बाद 800 का देते हैं. ये कुछ लर्निंग पजल्स हैं, कार्डबोर्ड के अंदर बनी हुई हैं. इनमें तकरीबन 12 टाइटल आते हैं. इनका MRP है 199. हम लोग 50% ऑफ पे देते हैं. 100 रुपीज का. 100 रुपीज का रेट तो आपके सही में होलसेल वाले हैं सर. एक ये प्रोडक्ट है वर्ड बोगल का. इसके अंदर बच्चे जो है वर्ड्स बनाना सीखते हैं. इसके अंदर एक सैंड टाइमर भी दिया हुआ है कि 1 मिनट के अंदर बच्चे को वो वर्ड बना के कम्प्लीट करना है और वो विन विन पोजिशन में आ जाता है. इसका MRP 400 का है. हम लोग इस पे 25% ऑफ करके 300 का बेचते हैं. ये बॉलिंग गेम है. ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत ही यूनिक टॉय है. इसके अंदर हम लोग 50% ऑफ करके देते हैं. इस पे 1200 प्रिंट है. हम लोग 600 का सेल करते हैं. अरे 50% डिस्काउंट. 50% डिस्काउंट. बहुत ही बढ़िया सर. और ये सर ये बच्चों का घर रखा हुआ है सर. ये टॉय जोन जो रखा हुआ है ये कितने का है? हाँ सर बहुत बड़ा है. तो ये इस तरीके से गर्ल्स जो है अपना घर बना के खेलती है. हाँ सर. इसके ऊपर हम लोग 25% ऑफ दे रहे हैं. ये 1450 का है और डिस्काउंट के बाद 1100 का पड़ता है. 1100 रुपए का है. गर्ल्स के लिए डॉल सेट है. हाँ. ये 150 रुपीज की डॉल है. 150 की? हाँ जी. 300 इसका MRP है. 50% ऑफ पे देते हैं. तो ये जितने भी डॉल्स दिख रही हैं सर ये 150 की हैं सब. हाँ जी. इसमें चेस भी है, लूडो भी है. चेस के साथ भी है, लूडो भी है. हाँ. ये कितने का है सर? ये 500 रुपीज का है. 500 का. तो इसमें चेस की जो गोटिया है सर वो वुडन की? बहुत ही बढ़िया सर. ये क्या चीज है सर? ये बच्चों का व्हाइट मैग्नेटिक बोर्ड है. आप इसको दीवार पे लगा सकते हैं. अच्छा. और इसको रिवर्स करने पे ये चार्ट बोर्ड का भी काम करता है. अच्छा. और ये मैग्नेटिक है. मैग्नेटिक है. ये कितने का पड़ेगा सर? MRP 1600 का है और हम लोग 25% ऑफ पे इसको सेल करते हैं. अच्छा, तो 1200 का पड़ेगा सर. ये सॉकर गेम है. हाँ. इसका जो प्राइस है 2250 है. ये भी 50% ऑफ पे देते हैं. 1100 का. अरे भाई साहब. ब्लॉक्स हैं. हाँ. अगेन इसके ऊपर पे 50% ऑफ है. ये कितने का पड़ेगा सर? इसका MRP है 2380. हाँ. हम लोग देते हैं 1200 का. ये क्या चीज़ है सर? ये स्कूल में जो प्ले स्कूल में कटआउट लगते हैं ना वो. अच्छा अच्छा, स्कूल के लिए है. ओके. तो गाइस अरुण सर को काम हो गया बीच में ना, तो अरुण सर बैठ के अपनी सीट पे. तो अभी है हमारे साथ मास्टर रंजीत. ये इस पे लैंड डालना है. इसके अंदर ये मैग्नेटिक है. एक बोर्ड होगा. इसके अंदर ये जोड़ के बच्चे पजल भी बनाएंगे. मैग्नेटिक जैसा उठाया चिपकाया, उठाया चिपकाया. तो इसमें बच्चे बहुत सारी मतलब जो है
ये पजल्स बनाकर और एक्टिविटी कर लेते। तो ये कितने का पड़ेगा? उसके बाद 450 रुपए का पड़ेगा। हॉकिंग बॉल है, ये एयर भरने के बाद इतनी बड़ी हो जाती है और इसको बच्चे बैठ कर इसमें पकड़ने का हैंडल है, पकड़ने के बाद मतलब इस पर बच्चे ऐसे जो है खेलते हैं ऊपर बैठ के। ये 50% डिस्काउंट है इस पर, तो ये 350 रुपए की पड़ेगी। ये 50% डिस्काउंट है, हमारे पास 10% से 75% तक के डिस्काउंट होते हैं। अब जैसे इसका है 935, तो ये मतलब जो है 470 रुपए के आसपास पड़ेगा। ये हॉप स्कॉच है जी, क्या चीज है? हाँ, जैसे स्टाफ खेलते है ना बच्चे ऐसे, एक मैट है, ये इसे फ्लोर पे फैला दिया तो बच्चे हाथ पे हाथ पैर पे पैर रख कर क्रॉस कर जाएंगे। ये कितने का है? 850 है, 425 रुपए का पड़ेगा। 425 का? हाँ। बहुत ही बढ़िया। और ये 3 to 99 ईयर के लिए। अच्छा, कोई भी खेल सकता है इसको। इसमें बुक में देख के और ये बच्चे जो है ये बनाने के, ये पूरा बन जाएगा। ये इस तरह के मतलब जो डिजाइन बनाएंगे ये इस तरह। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ भी बना सकते हो आप अपने डिजाइन के हिसाब से? कई डिजाइन मतलब जो इसके अंदर बने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब सिखाया गया है। 6 साल से ऊपर के बच्चे के लिए ठीक है। ये पड़ेगा 1275 रुपए। जैसे ये बॉडी पार्ट्स है, छोटे बच्चे को सिखाने के लिए स्टार्टिंग इससे होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पीस बाहर निकल जाते हैं फिर बच्चा एक करके इसमें। अच्छा, इसे लगाएगा। ओके ओके ओके। तो इसमें जो हेड है तो हेड की जगह हेड ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, तो इसे मतलब जो है टमाटो की जगह टमाटो ही लगेगा। समझ गया, समझ गया। ये कितने का, क्या रेट है इनका? ये सब बहुत सस्ते पड़ते हैं। कितने जो है? 100 रुपए के बेचते हैं। अच्छा, 100 रुपए का बेचते हैं। और 100 रुपए की क्वालिटी तो बढ़िया है इनकी, पूरा वुड में है ना? एक इसमें बच्चा खेल खेल में बहुत अच्छी तरह सीख जाता है। ये क्या है? एक से 25 तक की काउंटिंग है। तो बच्चा इसमें ये पीस इसी के अंदर मूव करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा अच्छा, तो बच्चा जैसे 1 को 1 पे लगाएगा, 2 को 2 पे, 3 काउंट करेगा, 3 पे लगाएगा, तो इसी तरह खेल खेल में 25 तक के काउंटिंग से भी आता है। ओके, ये कितने कितने हैं? एमआरपी थोड़ा सा बता दो इनका, रेट बता दो। 50% डिस्काउंट है, 699 एमआरपी है। ये 350 का पड़ेगा आपका। 350 रुपए का है। इस तरह के रखे हुए हैं। ये कितने रुपए के हैं? इसमें कोई बैटरी का खर्चा नहीं है। ऐसा बच्चा मतलब जो है इसको यहाँ से प्रेस करता है, ठीक है, ये ऐसे भाग जाता है। ये कितने का है? एमआरपी 400 रुपए है, 150 रुपए का इसका मतलब जो रेट है। और अभी सेगमेंट की बात करें तो आपके पास ये झूले वगैरह हैं, चेयर्स वगैरह हैं, तो इनकी हम बात कर लेते हैं एक बार। ये चेयर्स कितने की हैं बच्चों की, छोटी बच्चों की? ये चेयर्स सर हमारे पास 240 रुपए से स्टार्ट है। बाकी जो 5 साल की गारंटी वाली चेयर है उसमें 5 साल की कंपनी वारंटी देती है, लिटिल फिंगर कंपनी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर है लिटिल फिंगर के? ओके, और एनसीआर के, दिल्ली एनसीआर के आप डिस्ट्रीब्यूटर है? ओके, प्लास्टिक है। हम आपको बैठ कर दिखा रहे हैं, ऐसे बैठो, वजन डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो टूटेगी नहीं। अच्छा अच्छा, अगर टूटती है तो 5 साल में मतलब जो है कंपनी दूसरी वारंटी देगी। अच्छा, 5 साल की वारंटी है इसकी, टूटेगी नहीं है। तो इनके रेंज मतलब 500-600 के आसपास है, ठीक है। ये कितने का पड़ेगा सेट? ये 3000 रुपए का है। ये 100 kg तक वेट लेगी, टूट नहीं सकती। बच्चा इस पर बैठ जाए, चढ़ जाए, ये ऐसा खुल जाता है, इसमें स्पेस दिया हुआ है। अच्छा, छोटा सामान रख सकते हैं, इसमें बुक्स वगैरह रख सकते हैं। ओके, और ये बच्चा जो है इस पे चढ़ जाए, बैठ जाए, तो ये देखो मजबूत है, इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं दे सकते। तो ये कितने, ये 3000 का बताया आपने, आगे वाला कितने का बताया? ये भी 3000 का, वो भी 3 का है। इसमें ऐसे इसमें ड्रॉर है, उसको ऊपर नहीं उठता। ये ड्रॉर वाला है ना। ये प्लास्टिक वाले कितने की पड़ेगी? ये एडजस्टेबल, ये इस पे 30% डिस्काउंट है। तो ये आफ्टर डिस्काउंट 3840 रुपए की पड़ेगी। ये कितने की चेयर? ये 1800 की, 1800 रुपए की चेयर है। और ये झूले अगर कोई लेना चाहे मान लो, तो ये किसके लिए, स्कूल के लिए है या फिर सिंगल आदमी भी ले सकते हैं? कोई भी ले बच्चों सकता के लिए, तो घर में भी यूज कर सकते हैं, इंडोर के आइटम है। पूरा दोनों सेट अगर साथ में लेते हो तो 11000 का, और अकेला लेते हो 6000 रुपए का। ओके, बॉल्स होती है, इस पे आदमी चढ़ जाए, बैठ जाए, पूरी ताकत से भीस ले तो ये टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं, पिचकेगी। अच्छा, तो ये कितने का है? 1199 एमआरपी, 30% के बाद 840 रुपए, 840 रुपए का पड़ेगा। ये रोकर कितने के है? ये रोकर आपका 2640 रुपए का पड़ेगा, 2640 का पड़ेगा। और स्माइली का जो पैकेट पूरा ऊपर रखा है, ये 120 रुपए का, मतलब 120 रुपए का पैकेट। मैट दिखाने के बाद उठा के एक बार, ये 1290 इसका एमआरपी है। ये लिटिल फिंगर का है, इसमें ग्रिप जो है, पैर स्लिप नहीं होगा। 12 mm में है, और ये देखो हमारे 1.5 साल होगा इसको यूज करते हुए, ये जब चाहे इसे क्लीन कर सकते हैं। कितने का पड़ेगा ये? और ये पिचकता नहीं है ना कटता है, ये पड़ेगा 900 रुपए का आपको। क्या ये? ये एग है, इस पर पेंटिंग करते हैं। अच्छा, इनके ऊपर पेंटिंग एग बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें 2 कलर के होते हैं। ये कितने का पड़ेगा? ये 200 का,
ये 1325 का है। ओके, न्यू बॉर्न से लेकर 99 ईयर तक के लिए टॉय होते हैं, गेम्स वगैरह होती हैं। 99 नहीं नहीं, चेस वगैरह कोई भी खरीद सकता है। वो तो है, हमारे पास एक बार आए कस्टमर तो उन्हें मतलब जो है आके मतलब देखे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। कस्टमर विजिट अगर करना चाहता है शॉप पे तो हाँ, तो शॉप का एड्रेस मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ आके विजिट कर लेना और कॉल भी कर लेना, ठीक है। कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल देंगे आपकी ऑडियंस के लिए, तो खास कोई ना कोई गिफ्ट जरूर निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया सर। तो सर ने बुक लिखी है खिलौना, सर इस बुक के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं बस ये बच्चों के लिए लिखी है, बच्चों के पेरेंट्स के लिए लिखी है, उनके टीचर्स के लिए लिखी है। तो ये क्यों जरूरी है सर बुक पढ़ना? ये पेरेंट्स को मालूम नहीं होता कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा खिलौना चाहिए, वो लोग आसपास देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, वही ले लेते हैं। तो वो ना लेके अपने बच्चे के हिसाब से खिलौना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों सर? हर बच्चे की माइंड डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होती है, उनके लिए अलग अलग खिलौने बने होते हैं। ओके, तो इसलिए हर बच्चे के लिए अलग खिलौना लेना चाहिए, किसी को देख के नहीं लेना चाहिए। तो ये कैसे पता लगाएंगे सर कि हमारे बच्चे के लिए खिलौना? वो सब हमने बुक में बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। अच्छा, तो गाइस सर बुक को रिकमेंड कर रहे हैं, एक बार आके ये बुक जरूर लेना। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, थैंक यू सो मच सर। तो गाइस ये था हैप्पी जोन का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहें और वीडियो देखते रहें। टिल देन बाय।